ओके सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और जैसा कि आप सबको पता ही है कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको एक ऐसी ऐप या फिर प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊँ जिसको यूज़ करके आप EMI में प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कोई भी और शॉपिंग वेबसाइट से, और जो पैसा है वो आप बाद में मंथली EMI के फॉर्म में पे कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं आप सबको वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको जिस ऐप या फिर प्लेटफॉर्म के बारे में बोलना चाहता हूँ उसका नाम है स्लाइस। तो स्लाइस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप EMI में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या फिर किसी भी और शॉपिंग वेबसाइट से प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं और जो पैसा है वो आप बाद में मंथली EMI के फॉर्म में पे कर सकते हैं। और इनका अपना एक वीज़ा कार्ड भी आता है जिसको आप एज ए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या फिर किसी भी और वेबसाइट के अंदर। सो गाइस, स्लाइस ऐप के अंदर जाके इसके बारे में फर्दर डिटेल्स बोलने से पहले मैं आप सबको सबसे पहले इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोल देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं आ चुका हूं प्ले स्टोर के अंदर और ये है स्लाइस ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम इसके डिटेल्स में जाके थोड़े से नीचे जाके चेक करें तो इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। तो अगर आप स्लाइस ऐप को यूज करके EMI में प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा। सबसे पहली बात, आपको 18 ईयर्स एंड अबव होना पड़ेगा, आपको एक इंडियन रेसिडेंट होना पड़ेगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्लाइस ऐप यूज करने के लिए आपको इन ऑपरेशन सिटीज में से होना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली स्लाइस ऐप अभी पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बस कुछ सिलेक्टेड सिटीज में अवेलेबल है। तो मैं अपने स्क्रीन के अंदर उन सिटीज का नाम मेंशन कर रहा हूं, तो आप देख लीजिए, अगर आप इन सिटीज से है तो वेलकम, आप स्लाइस ऐप को यूज कर पाएंगे। सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के बाद, अकाउंट क्रिएशन के बाद, आपको इसके अंदर अपना जो KYC डिटेल्स है उसको फिलअप करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। तो 24 घंटे के अंदर वैसे तो वो लोग जो वेरिफिकेशन है वो दे देते हैं। सो गाइस, यहां पे छोटा सा करेक्शन है कि जस्ट नाउ मैंने आप सबको बोला कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको अप टू 24 आवर्स तक लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप इस स्लाइस ऐप के अंदर रजिस्टर करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर लगेंगे, और 1 आवर के अंदर ही वो लोग आपको नोटिफाई कर देंगे कि आप स्लाइस ऐप को यूज़ करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ओके सो गाइज, वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यू आर रेडी टू गो। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपका अकाउंट आपको चेक करना है कि कितना क्रेडिट लिमिट उन लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है। तो क्रेडिट लिमिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो मेरा क्रेडिट लिमिट अभी 76,000 रुपीज़ है, जिसके अंदर मेरा जो क्रेडिट लिमिट लेफ्ट है वो 54,360 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है कि अभी मैं टोटल इस ऐप से 76,000 रुपीज़ का EMI ले सकता हूँ, और इसमें से मैंने कुछ EMI मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो अभी जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस है वो 54,360 रुपीज़ का, यानी कि इस अमाउंट का जो EMI है वो अभी भी मैं इस ऐप से ले सकता हूँ। आप जब न्यू अकाउंट क्रिएट करके वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो शायद से आपको 5 to 6,000 रुपीज़ का जो क्रेडिट लिमिट है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे अगर 1-2 महीने आप इस ऐप को यूज़ करेंगे और टाइमली रिपेमेंट वगैरह को कंप्लीट करेंगे तो उनका भी ट्रस्ट आपके ऊपर इंक्रीज होगा और वो लोग फर्दर आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज कर देंगे। तो मेरा भी सबसे पहले 4,000 रुपीज़ ही था, और अभी क्योंकि मैंने मंथली अपना जो रिपेमेंट है वो टाइमली पे किया और ट्रस्ट मैंने एक बिल्ड किया, तो इसलिए उन लोगों ने मेरा जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया। ओके सो चलिए, अभी मेन चीज़ की बात करते हैं। तो कैसे आप इस ऐप को यूज़ करके फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर किसी भी और वेबसाइट से प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं EMI में, प्रोसेस क्या है? तो मैं अभी इसको फ्लिपकार्ट से शो कर रहा हूँ, आप मिंत्रा वगैरह या फिर अमेजोन वगैरह से भी परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि मुझे ये स्मार्टफोन परचेस करना है, iPhone XR, और इसकी प्राइसिंग है 47,500 रुपीज़। तो मुझे अभी फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ नहीं करना है, आपको बस आप जो प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं उसका प्राइसिंग देखना है। तो इसका प्राइसिंग है 47,500 रुपीज़। तो फ्लिपकार्ट को अभी आप क्लोज कर दीजिए और जो स्लाइस इट ऐप है उसको ओपन कीजिए। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपके अकाउंट में जितना क्रेडिट लिमिट बचा हुआ है उतने का ही EMI आप ले सकते हैं, और उसके बाहर का जो प्राइसिंग होगा उसको आपको कैश पे करना होगा। तो यहाँ पे काफी सिंपल सी प्रोसेस है, आप आ जाइए स्लाइस ऐप के होम पेज के अंदर और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, स्टोर वाउचर्स, ट्रांसफर टू बैंक और ट्रांसफर टू पेटीएम। तो ट्रांसफर टू बैंक और ट्रांसफर टू पेटीएम मतलब आप अपना जो क्रेडिट लिमिट है उसको बैंक ट्रांसफर या फिर पेटीएम ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर आपको कैश की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट परचेस करना है, तो मैं जाऊंगा स्टोर वाउचर्स के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो यहाँ पे मुझे चाहिए फ्लिपकार्ट से, लेकिन यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे और जो स्टोर्स है वो अवेलेबल है, तो फ्लिपकार्ट के अंदर मैं चूज करूंगा। और मेरा जो आईफोन है उसकी प्राइसिंग है 47,500। तो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए कितने रुपये का आपका जो प्रोडक्ट है, और यहाँ पे चूज पेमेंट प्लान में सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो
रीपेमेंट स्केड्यूल है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि कितने मंथ में आप जो ईएमआई है उसको रीपे करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे आपको काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी यहाँ पे चूज़ करता हूँ कि 4 मंथ्स में मुझे अपना जो ईएमआई है उसको पे करना है, तो यहाँ पे मुझे नो कॉस्ट ईएमआई का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़, ये तो थी पूरी प्रोसेस कैसे कैसे आपको ईएमआई वगैरह लेना है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है और कैसे आपको एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट के अंदर जाके ऑर्डर प्लेस करना है। तो इस प्रोसेस के बाद आप नेक्स्ट में अगर क्लिक कर देंगे आपका ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करने के बाद, तो आपका जो गिफ्ट कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा फ्लिपकार्ट के लिए। तो आप इसको बंद कर दीजिए स्लाइस पे को, और आपका जो गिफ्ट कार्ड डिटेल्स है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में या फिर फ़ोन नंबर में आ जाएगा। तो उसके बाद आपको जाना है फ्लिपकार्ट के अंदर या फिर अमेजोन मिंत्रा, जहाँ से भी आप प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। और मुझे परचेस करना था आईफोन एक्स, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा बाई नाउ और यहाँ पर इसको करते हैं स्किप। तो यहाँ पे जब सब कुछ आप यहाँ पे ओके कर दीजिए और जब पेमेंट का पेज आएगा तब आपको चूज़ करना है गिफ्ट कार्ड। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे पेमेंट ऑप्शंस में है गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप चूज़ कीजिए और वाउचर नंबर और वाउचर पिन। तो आपको जो मेल के अंदर या फिर फ़ोन नंबर के अंदर नंबर और पिन मिल जाएगा उसको आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, और अप्लाई करने के बाद आपका जो 47,500 रुपीज़ है वो यहाँ पर पेड हो जाएगा, और उसके बाद आप कंटिन्यू करके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपको जो आपका रीपेमेंट है वो टाइमली करना है। तो रीपेमेंट करने का भी कुछ फायदे हैं जो मैं आपको अभी वीडियो के अंदर बोलता हूं। तो सबसे पहली बात, रीपेमेंट आपको कब करना है, हर महीने जब आपका रीपेमेंट होता है हर महीने 5 तारीख के अंदर आपको जो आपका रीपेमेंट है उसको कंप्लीट करना है। तो अगर हर महीने टाइमली आप अपना रीपेमेंट को कंप्लीट करते हैं तो आपको स्लाइस पे के तरफ से स्क्रैच कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा मुझे एक ऑप्शन लगता है। तो मैं हर महीने जब अपना रीपेमेंट को कंप्लीट करता हूँ तब मुझे एक स्क्रैच कार्ड देखने को मिल जाएगा, लेकिन 5 तारीख के अंदर आपको रीपेमेंट कंप्लीट करना है उसी के बाद आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए कि आपका जो रीपेमेंट है वो है 10,000 रुपीज़ का, तो 10,000 रुपीज़ का रीपेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 6 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ तक का जो कैशबैक है वो देखने को मिल सकता है, और ये जो कैशबैक है वो यहाँ पर आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट मंथ जो मैंने अपना रीपेमेंट कंप्लीट किया था तो यहाँ पर मुझे 16 रुपीज़ का कैशबैक देखने को मिल गया था, और इस कैशबैक को मैं अपने नेक्स्ट रीपेमेंट से माइनस कर सकता हूँ। तो सपोज कीजिए कि मेरा नेक्स्ट मंथ का रीपेमेंट है 10,186, तो यहाँ से मैं 16 रुपीज़ माइनस कर सकता हूँ और बस मुझे 10,170 रुपीज़ पे करना होगा। सो गाइस, आई होप कि मैंने आप सबको सारा जो डिटेल है स्लाइस ऐप के बारे में वो मैंने आप सबको क्लियर कर दिया। लेकिन एक बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग फीचर है स्लाइस ऐप का जो मैंने आप सबको अभी तक क्लियर नहीं किया, जो कि है इस फिजिकल कार्ड के बारे में। तो अगर आप स्लाइस ऐप के अंदर अकाउंट बनाते हैं और स्लाइस ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐसा टाइप का एक फिजिकल कार्ड ऑर्डर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक रुपए प्रीपेड कार्ड है, आप देख सकते हैं, और इसको आप एज ए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस कार्ड को तो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले इसको मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन अभी अगर आप नया अकाउंट क्रिएट करते या फिर आपका पुराना अकाउंट भी है और आप इस कार्ड को ऑर्डर करते हैं तो आपको एक ब्रांड न्यू वीज़ा प्रीपेड कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो वीज़ा कार्ड का क्या एडवांटेजेस है रुपए कार्ड के ऊपर वो तो आपको मालूम ही होगा कि अगर आप बाहर मतलब किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में अगर आप इसको यूज़ करना चाहे, स्वाइप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे करना चाहे तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं, रिचार्ज वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल एक कार्ड है। और अगर आप किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन इस कार्ड को सबसे पहली बात अगर आप स्लाइस ऐप से ऑर्डर करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके एड्रेस पे ये कार्ड आपको डिलीवर कर देंगे। और दूसरी बात, अगर इस कार्ड से आप कुछ परचेज नहीं भी करते पूरे महीने या फिर पूरे साल तो 1 रुपये भी इस कार्ड के लिए आपको चार्ज पे करना नहीं पड़ता, जो कि मुझे लगता है एक क्रेडिट कार्ड के लिए ये काफ़ी बड़ी एक बात है। सो गाइस, बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। तो आई होप कि स्लाइस ऐप के बारे में पूरा जो क्लैरिटी है वो मैं आपको दे पाया हूँ। और जी हाँ, आप जा सकते हैं और स्लाइस ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोमो कोड है उसको इस्तेमाल करके रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपका जो वेरीफाइड होने का चांसेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जी हाँ, डेफिनेटली फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अंदर सेल तो ऑलमोस्ट 1-2 दिन के अंदर आ ही जाएगा। तो जाइए और अपना जो फेवरेट प्रोडक्ट है, अगर आपके पास अभी बजट का थोड़ा इशू भी है फिर भी आप ईएमआई को यूज़ करके परचेस कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मिलता हूँ मैं आपसे अगले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।